News 18, India. और आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और चंडीगढ़ चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि सभी पार्षदों को सम्मान मिलेगा और तीनों को अहम जिम्मेदारी भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आप पर पार्षदों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। चंडीगढ़ के पार्षद गुरुचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरुचरण भी क्षमतावान हैं। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी। उधर आज टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर में महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से जुड़े मामले में ईडी ने समन भेजा था। सीबीआई पहले से इस मामले की जांच कर रही है, तो रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप उन पर है और जिसको लेकर अब ईडी ने समन भेजा। फेमा से जुड़ा यह मामला है और इस मामले की सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के सामने पेश हो सकती है। उन पर कई आरोप हैं। उन आरोपों के बारे में आपको बताएं, महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछे। महुआ पर दर्शन हीरा नंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर सवाल पूछने का भी आरोप है। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने अपना संसदीय आईडी का लॉगिन और पासवर्ड भी शेयर किया था। तो ये तमाम उन पर आरोप है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संबल से आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबल के कल्कि धाम पहुंचने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि नारायण मंदिर की आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी संबल में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के लिए संबल के कल्कि धाम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमंत्रित किया है। इसके बाद 15 साल बाद कोई प्रधानमंत्री यानी यूपी के संबल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला वो रखने वाले हैं। और 15 साल बाद संबल जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के संबल वहां पहुंचेंगे, उसके अलावा वहां संबोधन भी होगा उनका। योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहेंगे, जिनके संबोधन के बाद फिर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तो क्या क्या वक्त जो है वो तय किया गया है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, वो जरा हम आपको बता दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:25 पर वो कल्कि धाम पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:37 पर गर्भगृह में मुख्य शिला को स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री, जो उनका कार्यक्रम है। और सुबह 10:39 पर परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे। फिर सुबह 10:45 पर मंच पर संत समाज प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेगा, उनका स्वागत करेगा। और सुबह 10:50 पर पीएम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। और सुबह 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, यानी पहले योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री, जो तमाम लोग वहां मौजूद होंगे, उनका संबोधन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबल के कल्कि धाम पहुंचने वाले, जैसे हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आमंत्रित किया है। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि इस मंदिर को बनाने का सपना उन्होंने 18 साल पहले देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के आपके मंच पर या धार्मिक मंच ही सही आने से क्या बदलने वाला इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीतिक होता है या कोई साधु सिर्फ धार्मिक होता है? धर्म और राजनीति, राजनीति और धर्म, दोनों का उद्देश्य है जन कल्याण, दोनों का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व, दोनों का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, कि जिन्होंने दुनिया में भारत की इस ध्वज पताका को फहरा दिया है। तो श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह हो रहा है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम के मंदिर की आधारशिला रखने भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। और 19 फरवरी एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है धार्मिक जगत के पटल पर,
जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान जहां आए, अयोध्या में राम आए, राम के सारे काज नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुए। जो भगवान आए, जहां आए वहां के काज नरेंद्र मोदी जी ने किए, और जहां भगवान आएगा उसके काज करने भी वो आ रहे हैं। तो ये जो 19 फरवरी है, ये इस आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है, एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये ऐसा ग्रंथ लिखा जा रहा है जो सदियों तक अमर रहेगा। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरुण सिंह का, जो कि मौजूद है कल्कि धाम में। अरुण, देखिए धार्मिक अनुष्ठान है, प्रधानमंत्री उसमें शिरकत करने वाले हैं और काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहने वाला है, ये तो एक बात हुई, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं। देखिए पंकज, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोद कृष्णन के बुलावे पर आ रहे हैं। कल्कि पीठाधीश्वर हैं, लेकिन वो कांग्रेस के बड़े नेता भी थे कुछ दिन पहले तक, हालांकि कांग्रेस ने उनको निकाल दिया है। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की धरती है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि भगवान कल्कि के रूप में, यानी विष्णु भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, और जब वो अवतार लेंगे तभी ये कलयुग का खत्म होगा और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। इस वक्त अगर तस्वीरों में आप देखिए तो कल्कि धाम में, जो अयोध्या के बाद एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहां पर साधु संतों की टोली आपको दिखेगी, चारों तरफ आपको भगवा रंग नजर आएगा। टेंट ही भगवा नहीं है, नीचे बैठे लोग भी भगवा हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम से थोड़ी दूर बाद शुरू होने वाला है। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे और भूमि पूजन और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है, राजनीतिक मायने भी इसके हैं। धार्मिक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन राजनीतिक मायने इसके इसलिए हैं क्योंकि संभल और आसपास का जो इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है, समाजवादी पार्टी है। संभल की अगर आप बात करिए, इस वक्त संभल की बात करिए, 50% के आसपास जो यहाँ की आबादी है, मुस्लिम आबादी है, जो कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब कैंडिडेट थे, उनकी लहर में ये सीट जरूर एक बार जीत गई पार्टी, उसके बाद 2019 में हार गई सीट। ये 5 विधायक यहाँ हैं, उनमें से 4 समाजवादी पार्टी के हैं। तो इस पूरे इलाके में किस तरह से मोदी योगी के जरिए बीजेपी अपना जो अपनी पैठ है वो बढ़ाना चाहती है और समाजवादी पार्टी का किला ध्वस्त करना चाहती है, ये कार्यक्रम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक कार्यक्रम तो ये है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने, जैसा कि पंकज आपने कहा, काफी हैं। बिल्कुल, और जहां तक प्रमोद कृष्णम की बात है, भले वो कांग्रेस में थे लेकिन प्रधानमंत्री की लगातार कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में श्री कल्कि धाम मंदिर का किया भूमि पूजन और शिलान्यास। आज ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के 4th ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में करेंगे शिरकत। संदेश खाली केस में बंगाल के अधिकारियों को तलब करने वाले विशेषाधिकार कमेटी के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी कुछ देर में संदेश खाली पहुंचेंगी। दिल्ली आबकारी केस में ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। समन्स को गैर कानूनी बताते हुए पार्टी ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा।